चंडौस कस्बे में बुधवार को एक निजी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के सामने सड़क पर शव रखकर चंडौस दोरऊ मार्ग को जाम करते हुए जमकर हंगामा काटा। थाना पुलिस द्वारा काफी समझाने, कड़ी कार्रवाई करने के आश्वासन देने के बाद भी लोग अपनी जिद पर ही अड़े रहे। आपको बता दें, कस्बा के कटरा मोहल्ला निवासी सुरेश कुमार की पत्नी पिंकी उम्र 32 वर्ष को प्रसव पीड़ा होने पर कस्बे के रामपुर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन के बाद एक बेटे को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद से महिला की तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके बाद हॉस्पिटल संचालिका ने अलीगढ़ के लिए रेफर किया था। डॉक्टर ने महिला को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में ही महिला को अलीगढ़ के निजी अस्पताल में रेफर किया गया था, आरोप है, और इलाज के नाम पर 35,000 रुपये भी ले लिए। सीओ गबाना सुमन कनौजिया ने पीड़ित परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा कर रहे लोग नहीं माने। समाचार लिखे जाने तक लोगों का हंगामा जारी था, पुलिस द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास भी जारी था। वहीं मृतका के पति की तरफ से पुलिस को अस्पताल संचालिका, कर्मचारी सहित अन्य के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। मेरा नाम योगेश कुमार है, जिला अध्यक्ष ग्राम सेवा। तो क्या घटना हुई आज चंडौस में? सर, विवाद क्या, लड़के का बच्चा हुआ, मतलब डिलीवरी हुई थी। हाँ। डिलीवरी होने के बाद वो पेट में ऑपरेशन करने के लिए बोला डॉक्टरनी ने जी। जैसे ही वो लड़की, जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ जी, तो उसमें दिक्कत हुई, पता नहीं नस कटिया क्या हो जाने, डॉक्टर जानता है जी। वो कुदरत क्या हो, वो डेट एक्सपायर हो गई। वो एक्सपायर होने के बाद ये रेफर कर दी उनके अलीगढ़ के लिए जी। बस हम कुछ नहीं चाहते प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल अवैध है, गैर कानूनी है जी जी। नहीं, इन पे कोई लाइसेंस है, नहीं कुछ है, गैर तरीका से यूज करते हैं चीज़ों को, और गरीब लोगों को ये धंधा बना रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसमें कई केस हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से ये अभी तत्काल ये बंद हो, और हमें गिरफ्तारी की मांग है, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो और ये सील हो बस।